हेलो दोस्तों, तो लास्ट नाइट एटीके मोहन बगान एफसी ने आईएसएल सीजन 9 का खिताब अपने नाम किया बेंगलुरु एफसी को हराकर। तो आईएसएल सीजन 9 तो खत्म हो चुका है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएसएल सीजन 9 के इंडिविजुअल अवार्ड्स के संपर्क में। तो दोस्तों, सबसे पहला है नोहा सदुई, जिन्होंने एफसी गोवा के लिए शानदार परफॉर्मेंस किया है और केएफसी स्ट्रीट बॉलर का अवार्ड नोहा सदुई ने जीता है 20 मैचेस में 9 गोल और 9 असिस्ट के साथ। और उसके बाद हम बात करें गोल्डन ग्लव के संपर्क में। तो जैसे कि आप सभी को पहले से ही पता चल चुका था कि एटीके मोहन बगान एफसी के गोलकीपर विशाल कायत ही जीतने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लीन शीट विशाल कायत ने अपने नाम किया है। टोटल 12 क्लीन शीट विशाल कायत ने अपने नाम किया है और गोल्डन ग्लव का खिताब इन्होंने जीत लिया है। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आईएसएल सीजन 9 के इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के संपर्क में। तो दोस्तों, आईएसएल सीजन 9 में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीता है बेंगलुरु एफसी के यंग इंडियन स्ट्राइकर शिवा शक्ति नारायणन ने। तो दोस्तों, शिवा शक्ति नारायणन ने बेंगलुरु एफसी के लिए इंपैक्टफुल प्रदर्शन करते हुए कुल 21 मैचेस में 6 गोल और 3 असिस्ट किया है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं गोल्डन बॉल के संपर्क में। तो दोस्तों, ये जीता है मुंबई सिटी एफसी के राइट विंगर लार्लेंजवाला छंगटे ने, जिन्होंने 22 मैचेस में 10 गोल और 6 असिस्ट किया है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं गोल्डन बूट के संपर्क में। तो दोस्तों, ओडिशा एफसी के ब्राजीलियन स्ट्राइकर डियोगो मुरिसियो ने यह सीजन 21 मैचेस में कुल 12 गोल और 4 असिस्ट के साथ गोल्डन बूट का खिताब जीता है। तो दोस्तों, आप सभी का क्या ओपिनियन है इन सारे प्लेयर्स के बारे में, आप अपना ओपिनियन जरूर कॉमेंट सेक्शन पर बताना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।